हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइज। तो आज की वीडियो आप सभी इंडियंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ भारत गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दो तीन नए रूल्स जो है वो हमारे इंडिया में जल्दी ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में बात करने वाला है इस रूल में आपको क्या क्या नए अपडेट देखने को मिलेंगे, और ये रूल्स जो है ना वो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हो तो उनमें आपको ये सारे रूल्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सारा कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो का पूरा एंड तक देखो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सिक्योर पर क्लिक कर लो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए रूल्स जो है वो हमारे इंडिया में यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो जिसके रिगार्डिंग मैं आज की वीडियो में प्रॉपर मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात निकल के आती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ नई रूल्स के जो है वो तैयार हो चुका है। बट आप सबको पता है कि इंडियन में जो है जितने भी 5G से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जो कंडीशन थे, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म थे, जो लोग जितने भी नेटवर्क्स थे, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जितने भी नेटवर्क्स थे, उन सभी को परमिशन मिल गई है कि यहाँ आप जो है भारत जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है 5G को लॉन्च करने के लिए। तो उन सभी को परमिशन तो मिल गई है, उसके साथ साथ कुछ नए रूल्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि मैं आज के मतलब सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात निकल के आ गई कि भारत जो है ना वो बिल्कुल नए रूल्स के लिए बिल्कुल वो तैयार हो चुका है, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत में यहाँ बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्राइम होते थे जिससे रिलेटेड जो है वो अभी तक कोई भी जो है वो यहाँ पे मतलब जो है रूल्स वगैरह नहीं थे, और रूल्स थे भी जो तो वो काफी पुराने रूल्स थे। तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता, जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन रूल जो एक्ट थे उसे जो है 2019 में जो है लागू किया गया था, क्योंकि अब जो है उस रूल को जो है वो रिटर्न कर लिया गया है, क्योंकि मैं बाद में अभी मैं और भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रूल्स जो है वो कब से ये रूल जो है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को जो है वो वापस कर लिया गया है, और कुछ नए रूल जो है वो यहाँ पे इंपैक्ट करने वाले, क्योंकि आप सबको भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है जैसे कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, और जो लोग पहले भी रूल जो थे ना यहाँ पे जैसे कि डिजिटल इंडिया एक्ट जो कि यहाँ पे काफी पुराना था 2000 के टाइम पे, मैं 2002 या फिर 2000 या फिर 1999 के टाइम पे जो है वो रूल्स जो है बनाए गए थे, तो वो रूल्स तो या तो काफी ज्यादा पुराने थे या फिर उनमें उतनी कुछ जो है वो ज्यादा कुछ जो है एडवांस जो है सिक्योरिटी का या फीचर वगैरह नहीं मिलता था। तो अब जो रूल आने वाले हैं ना वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ जो है रूल्स जो है वो लगाने वाले हैं, और मे बी ये जो सर्दियों के टाइम पे ये रूल्स जब जो है वो यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो है आप सबको पता है टेक्नोलॉजी जो काफी ज्यादा एडवांस हो गई है, मतलब जो है बहुत ज्यादा जो है साइबर क्राइम वगैरह पे भी होते हैं, और बहुत सारे इंडिया में जो है ना बहुत सारे साइबर क्राइम को लेकर या फिर फ्रॉड वगैरह जैसे केसेस जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंप्रूव कर गई है। जैसे कि आप सबको मेटाबॉलिज्म यहाँ पे आ गया, AR आ गया है, VR आ गया है, इस टाइप से बहुत सारी टेक्नोलॉजी 5G तक जो है वो यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। तो यहाँ पे आप सबको पता है एडवांस जो है काफी ज्यादा जो है वो इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, जिसके रिलेटेड यहाँ पे ये सारे रूल जो है वो अब इंडिया में यहाँ पे आने वाले हैं। और इंडिया में खास करके लोग जो है ना वो बच्चे और महिलाओं को ज्यादातर टारगेट करते हैं, जो लोग यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उनको जो है ना वो काफी ज्यादा लोग जो है वो इन सब प्लेटफॉर्म के यूज करके मतलब वो सताते हैं, मतलब बुलिंग करते हैं, मतलब जो है उनको हर्ट करते हैं, उन्हें धमकियां दी जाती हैं। तो कुछ इस टाइप से रिलेटेड जो है बहुत सारे रूल्स जो है वो यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आप सबका कोई भी हक नहीं बनता कि आप किसी की पर्सनल लाइफ के साथ जो है वो उन पे इम्पैक्ट करो, उन पे कुछ बुरा या उनके साथ करो या फिर उनके साथ कुछ क्राइम करो सोशल रिलेटेड या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे आप समझे रहे हो। तो यहाँ पे इंडिया में जो है ना सबसे नंबर वन पे आता है इंडिया, यहाँ पे महिलाओं के साथ या फिर बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो लोगों को जो है वो हर्ट करते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पे उनको गाइड करते हैं, मतलब उनके साथ गलत करते हैं। तो कुछ इस टाइप से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारे रूल्स जो है वो आप इंडिया में जल्दी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे लोग जो अगर इससे रिलेटेड क्या होने वाला अगर मैं बात करूं कि इन सभी रूल्स के आने के अकॉर्डिंग अगर आपसे क्या मतलब बेनिफिट होने वाली है, तो सबसे पहले बेनिफिट हो जाएगा जो भी साइबर क्राइम वगैरह होते थे जैसे पेटीएम को लेकर फ्रॉड होते हैं या फोन पे को लेकर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आती है कि यार मेरे पास फ्रॉड कॉल्स आई थी जो कि पेटीएम पे बोला गया कि फोन पे में आपके इतनी लॉटरी लगी है, या फिर इस टाइप रिलेटेड बहुत सारे कॉल्स भी यहाँ पे आपके पास आते ही होंगे। अगर आपके पास आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे बहुत सारे क्राइम जो है वो फोन पे से रिलेटेड होती है, गूगल पे से रिलेटेड होती है। तो उन सभी पे जो भी रूल्स थे ना वो काफी ज्यादा पुराने रूल्स लगाए गए थे,
जिसको जो है वो अपडेट यहाँ करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो रहा है और यहाँ पर रूल्स जो काफी प्रॉब्लम मतलब पुराने थे, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी कि यार किस टाइप का रूल जो है वो यहाँ पे इम्पैक्ट लगाया जाता है, इस सिचुएशन में हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं थी, जो कि अब जो है वो काफी ज्यादा एडवांस होने वाला नए रूल के आने के बाद। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इंडिया में और भी दो तीन रूल्स जो है इसके साथ ऐड करने वाले हैं, जो कि मैं आने वाले टाइम में मैं और अभी आपको मैं इम्पैक्ट में इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं बात करने वाला इंडिया में एक और नए रूल आने वाले हैं जो कि मुझे जो पर्सनली काफी अच्छी लगी, जो कि कुछ डिजिटल मतलब प्रोडक्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे रूल्स निकलने वाले हैं, जो कि यूरोपियन कंपनी की तरफ से यहाँ पे मतलब उनकी तरफ से जो है इंस्पायर होकर हमें इंडियन गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड मतलब रूल्स जो है वो लाने वाली है, जो कि इंडिया में होने वाली वन सिंगल चार्जर पॉलिसी। जी हाँ, यहाँ पे सिंगल चार्जर पॉलिसी जो है वो क्या निकलने वाली, जो कि मैं अभी मैं पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। तो अभी मैं बात करने वाला कि इंडिया में जितने भी छोटे से लेके बड़े डिवाइस मतलब जो लोग जो डिवाइस है वो रिचार्जेबल होते हैं, मतलब छोटा गैजेट से लेके या फिर स्मार्टफोन हो गया या फिर उससे बड़े कुछ डिवाइस जो कि रिसाइकिल मतलब चार्जिंग रिचार्जेबल होते हैं, तो वहाँ पे आपको सिंगल चार्जर पॉलिसी जो है वो एक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें होगा क्या कि जितने भी डिवाइस होंगे ना उसमें एक ही तरह का चार्जर मिलेगा। मतलब यहाँ पे होने वाला है एग्जांपल के तौर पर बताने वाला हूँ कि मान लो कि सी टाइप यहाँ पे अभी चार्जर चला गया, तो वो सी टाइप जो है वो सारे डिवाइस में आपको सी टाइप ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे और वहाँ पे वॉल्ट जो है ना उसकी पावर जो है वो भी बिल्कुल सेम होने वाली है, मतलब चाहे आप छोटा डिवाइस उससे चार्ज कर रहे हो या फिर बड़ा डिवाइस आप चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा उसकी पावर वगैरह जो है ना वो कंसिस्टेंट मतलब होने वाली है, मतलब इससे ज्यादा वो चार्जिंग मतलब जो है वो नहीं लेने वाला है या फिर उससे ज्यादा चार्जर वो प्रोवाइड ही नहीं करेगा पावर या फिर उससे कम जो है प्रोवाइड नहीं करेगा, सारे में इक्वल फ्रिक्वेंसी मतलब जो है वोल्टेज वगैरह वगैरह सब कुछ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो इस पे भी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक पर्टिकुलर डिजाइन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगी जिससे रिलेटेड जो है वो अप्रूव हो जाएगा और इंडिया में जो है आपको सिंगल एक टाइप के चार्जर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले। और मैं बात करने वाला हूँ कि ये सारे एक्ट को मतलब जो भी रूल्स हैं यहाँ पे आने वाले हैं तो इन सब से क्या बेनिफिट मिलने वाली है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि इन सब से बेनिफिट मिलने वाली है अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया पे आप किसी को जो है मतलब एक्सपोज कर रहे हो, उसकी मतलब खामियां उससे बता रहे हो या फिर उसे हर्ट कर रहे हो किसी भी टाइप से रिलेटेड, मतलब कि आप बहुत सारे जैसे कि एग्जांपल मैं रोस्ट जैसे रोस्ट वाले बहुत सारे चैनल है, जैसे कि मैं एग्जांपल में मैं धनबाद के सबसे झारखंड के सबसे फेमस यूट्यूबर की बात कर लूँ जो कि मनोज दे का मैं अगर नाम लेता हूँ तो आप सब उसे अच्छे से जानते होंगे, तो बहुत सारे लोग जो है ना उनकी मतलब बहुत सारे वीडियोज पे उन्हें रोस्ट करते हैं, उनके बारे में मतलब गलत गलत वीडियोज बताते हैं, उनके बारे में गलत गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको पता भी नहीं होता है कि मेरे से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे वीडियोज भी बन रही है, उनसे रिलेटेड जो है आप पे कोई भी हक नहीं होता है कि आप किसी के बारे में जो है वो गलत गलत इन्फॉर्मेशन आप जो है वो अवेयर मतलब लोगों के बारे में फैलाओ या फिर उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को बताओ या फिर गलत गलत चीज़ें जो उनके बारे में बताओ, तो आपका कोई भी हक नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स भी यूट्यूब पे थे जो कि हमारे इंडियन तो मतलब इंडियन के बारे में मतलब इंडियन सिटीजन के बारे में जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, हम इंडियन रिपोर्टर्स के बारे में जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते थे, उनके फोटोज लगा के उनके थंबनेल पे वहाँ पे मतलब बहुत सारे जो है वो गलत गलत जो है वो न्यूज़ देते थे और हमारे पब्लिक को जो है ना वो भड़काते थे, मतलब हिंसा जो है वो क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे चैनल्स भी जो है वो अभी डिलीट किए हैं, कुछ पाकिस्तानी चैनल्स भी हैं जो कि हमारे इंडियन रिपोर्टर की मतलब सथम्पिक्स को लगा के जो है वो गलत गलत न्यूज़ देते थे, जो कि एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन राइट थी ही नहीं, बस लोगों को भड़काने का काम करते थे। यहाँ बहुत सारे चैनल्स को जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इंडिया में जो बैन कर दिया, मतलब वो अदर कंट्रीज में मतलब चलेंगे लेकिन इंडिया में जो है वो चलने वाले नहीं है, और खासकर जो लोग रोस्टिंग चैनल बनाते हैं उन सभी चैनल्स को भी इंडिया जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है डिलीट कर चुकी है। अगर आप भी किसी को रोस्ट करते हो या फिर किसी के बारे में आप जो है वो गलत गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो या फिर गलत इन्फॉर्मेशन आप देते हो अपने पब्लिक को, तो यहाँ पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, यहाँ पे आपके चाहे वो यूट्यूब के कितने भी बड़े आप क्रिएटर हो या फिर आपके मिलियंसों में सब्सक्राइबर हो, यहाँ पर 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन कुछ भी मायने नहीं रखता, अगर आप सब ये सर एक्ट को फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे आपके चैनल्स भी जो है वो डिलीट हो सकती है। इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पावर होता है कि यहाँ पे वो आपको विद इन सेकेंड में जो आप चैनल्स को डिलीट कर सकता है,
आप इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको क्लियर में बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े क्रिएटर के यहाँ पे चैनल जो है वो इंडिया में डिलीट हुई है, जो कि मैं आने वाले टाइम में आपको शायद नेक्स्ट वीडियो ही में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। आई होप अगर आज की वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, क्योंकि मैं हमेशा चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अनबॉक्सिंग जैसे वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।